कमाल, हम लोग देश के बाहर जा रहे हैं और मुझे खुद को नहीं पता। अब ये सारी पैकिंग किस लिए? ये कौन सा नया फितूर है? हम ये देश छोड़कर जा रहे हैं। क्या आपका दिमाग तो ठिकाने पे है? जो होनी है उसे रोकना है। शादी के बाद तन्वी और ऋतिक न्यूयॉर्क के लिए निकल जाएंगे और उसके बाद हम भी। अरे ये कौन सी बात हुई? हमारे पंडित ने बोला है ना कि ऋतिक की शादी अगर टाइम पे हो गई तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। फिर ये सब क्या है? आगे जी, पता नहीं क्यों मन में डर सा लग रहा है। अगर कुछ हो गया और ये शादी ना हो पाई तो मुझे यकीन है ऋतिक की शादी के लिए मना नहीं करेगा। लेकिन अगर होली ने कुछ कर दिया और ये शादी ना हो पाई तो इसलिए मैं तैयार रहना चाहती हूँ। शादी हो या ना हो हम सब यहां से चले जाएंगे, क्योंकि आज रात के बाद मेरे बेटे के सर पर जो मौत मंडराएगी वो मैं नहीं देख पाऊंगी। अंकित जी, नहीं देख पाऊंगी। अंकित जी जल्दी चलिए, मंडप में पंडित जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अपने अतीत को छोड़कर अपने आज से कैसे भाग सकते हो तुम लोग? नहीं, अगर तुम सब यहां से चले गए तो मुझे हमारी नागमणि वापस कभी नहीं मिलेगी और मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। जब इंसान का पक पूरा हो जाता है तो उसके कदम खुद ब खुद वहीं ठहर जाते हैं जहां मौत उनके इंतजार में खड़ी होती है। जाने तो मैं नहीं दूंगी तुम लोगों को, तुम सब यहीं रहोगे मेरी आंखों के सामने। और पूजा शुरू करनी है, ऋतिक को बुलाइए। जी अभी बुलाती हूँ। थैंक्स बेटा, आज तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। देखना शादी के बाद तुम और तन्वी बहुत खुश रहोगे। माफ हो। बस बेटा आप कुछ मत बोलो। चुप। आ गया मेरा पुत्र। आओ बेटा आइए बैठिए। कन्या को बुलाइए। वो बस आती ही होगी। हाँ आपको तो पता है ना भाभी, हम ब्यूटीफुल गोल को थोड़ा टाइम तो लगता है ना तैयार होने में। मैं बुला कर आती हूँ। मैं हाँ, आप जाइए। सॉरी मैम, यही बताना चाहता था आपको, तन्वी नहीं आने वाली। आप दुखी मत होना, मेरी खुशी इसी में है। तन्वी, तन्वी, मुहूर्त बीता जा रहा है, कन्या को जल्दी बुलाइए। पंडित जी वो यामिनी गई है ना, आती होगी। ओह तुम यहां बैठी हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। चलो बेटा मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, Thank you.
यहाँ क्या कर रही हो? और वो भी दुल्हन के जोड़े में। मैंने देखा कि तन्वी मैम चली गई। तन्वी चली गई मतलब? वो आपके लिए ये चिट्ठी छोड़ गई है। सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ऋतिक की जिंदगी में तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर उसकी कुंडली में जो लिखा है वो सच हो गया तो मेरा क्या होगा? आई एम सॉरी, पर मैं इस तरह खतरों से भरी शादी तो नहीं करना चाहती। हाँ, वो ऋतिक से सच्चा प्यार नहीं करती थी। अगर करती तो ऐसे उन्हें छोड़कर नहीं जाती। पर जब वो यहाँ से जा रही थी, तुमने हम में से किसी को क्यों नहीं बुलाया? मुझे वो बाहर जाते वक्त ही मिली। जब तक मैं आप लोगों को ढूंढती, मैंने देखा कि मेहमान आने शुरू हो गए थे। लेकिन ये शादी का चोरा तुमने क्यों पहन रखा है? क्योंकि मैंने आप सबको बात करते हुए सुना था कि आप आज ऋतिक के 25 साल पूरे हो जाने से पहले उनकी शादी करना चाहती हैं और 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तन्वी मैम को ढूंढ पाना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने बेटे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते और ना ही मैं उनकी जिंदगी खराब होते हुए देख सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ उस वक्त दिया जब मैं मुश्किलों में थी, मुसीबत में मेरी मदद की और अब एहसान चुकाने की बारी मेरी है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं जानती हूँ कि आप ऋतिक की शादी आज किसी भी कीमत पर कराना चाहती हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये आपकी बेटी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आपके लिए ऋतिक के लिए मैं ये शादी करने के लिए तैयार। अगर आप तैयार हैं, मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से होगी जिसे उसकी कुंडली मेल खाए। मार्केश दोष है उसे और मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। देखिए, मैं ये सब नहीं जानती। मैं तो बस मदद करना चाहती हूँ। मुझे बस ये पता है कि 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। ये लो, आ गई हमारी बिटिया। तन्वी ने तो कहा था कि वो मंडप में नहीं आएगी शादी के लिए, तो फिर क्यों? अरे, तुम रुक क्यों गई? आज पूरन मासी है। बच के रहना इस पूरन मासी की रात से। पूनम के चांद की एक किरण भी तुम्हारे शरीर पर पड़ी तो तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। यही वो रात है जब चांद के सामने आ जाने से कोई भी इच्छाधारी नागिन इंसानी रूप में वापस नहीं लौट सकती और उसका नागिन का रूप सबको दिख जाता है। इसलिए बच के रहना इस पूर्णमासी की रात से, उसके पूरे चांद से। पूर्णमासी के चांद के सामने मैं अपने नागिन स्वरूप में आ रही हूं। अब मैं क्या करूं?